के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों द्वारा रेप और हत्या के मामले को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद डॉक्टरों ने काम पर लौटने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के पास भी विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान डॉक्टरों ने 5 प्रमुख मांगे रखी है। डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को समाप्त करने के लिए 5 शर्तें रखी हैं, जिनमें स्वास्थ्य सचिव और कोलकाता पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा शामिल है। अन्य मांगों में स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक का इस्तीफा, पश्चिम बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेजों में पेशेंट सर्विस शुरू करना, अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना और मरीजों की सेवाओं में सुधार शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होती वे हड़ताल जारी रखेंगे। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करते हुए डॉक्टरों ने साल्ट लेक में बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के भवन तक रैली निकाली है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे यही धरना प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टरों ने आज शाम 5 बजे तक इन अधिकारियों को पद से हटाने का अल्टीमेटम भी दिया है। इस दौरान कोलकाता पुलिस ने रैली के रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त आदेश दिए हैं। 9 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों को काम पर लौटने का निर्देश दिया और उनकी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। कोर्ट ने अभी आदेश दिया कि पुलिस डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माहौल बनाए, जिसमें अलग अलग ड्यूटी रूम, शौचालय की सुविधा और सीसीटीवी कैमरे शामिल हो। कोर्ट ने डॉक्टरों से कहा कि उन्हें सबसे पहले काम पर लौटकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डॉक्टर ऐसा करने से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।